आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाँ तो बच्चों, प्रश्न क्या दिया है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है और a b c तीनों जीरो से बड़े हैं तो a की घात 2 गुणा b की घात 3 गुणा c की घात 2 का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, महत्तम मान ज्ञात करना है तो महत्तम मान और ये सब कुछ आते हमें याद आना चाहिए। क्या समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, हम क्या जानते हैं कि समांतर माध्य am जो है वो बड़ा या बराबर होता है किसके, गुणोत्तर माध्य के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया, a की घात 2, b की घात 3 और c की घात 2। अगर देखो दो संख्याएं a और b का अगर हमें गुणांतर माध्य ज्ञात करना हो तो वो क्या होगा, a गुणा b। तो देखो हमें यहाँ पे a की घात 2, b की घात 3 और c की घात 2 दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा कि a के दो पद चाहिए, b के तीन पद और c के दो पद। अब हमें क्या दिया हुआ देखो प्रश्न में कि a प्लस b प्लस c बराबर 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की घात क्या, सॉरी 1/2 प्लस a बट्टा 2 प्लस बी बट्टा 3 प्लस बी बट्टा 3 प्लस बी बट्टा 3 प्लस सी बट्टा 2 प्लस सी बट्टा 2 बराबर 3। तो देखो ये सी बट्टा 2 प्लस सी बट्टा 2 सी हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका क्या ज्ञात करूं, इस पूरे पद का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य जो है ये संबंध लगाऊं कि एम ग्रेटर इक्वल टू जीएम होगा, तो देखो क्या होगा हमारे पास, इन सभी का योग, अब इन सभी का योग तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बट्टा, तो ये देखो बेसिकली हम क्या लिख रहे हैं, a बट्टा 2 प्लस b, a बट्टा 2 प्लस b बट्टा 3 प्लस b बट्टा 3 प्लस c b बट्टा 3 प्लस c बट्टा 2 प्लस c बट्टा 2। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सात संख्या है तो बट्टा 7 करेंगे, वो बड़ा या बराबर है किसके, इनके गुणोत्तर माध्य के। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जितनी संख्या है उनको गुण उनका उनकी उतनी घात 1/2 है ना, जैसे यहाँ पे 7 पद तो सभी का गुणन और उनकी घात 1/7, तो हम क्या लिखेंगे, a बट्टा 2 गुणा a बट्टा 2 गुणा b बट्टा 3 गुणा b बट्टा 3 गुणा b बट्टा 3 गुणा c बट्टा 2 गुणा c बट्टा 2 और की घात 1/7। ठीक है, अब देखो a प्लस b प्लस c का मान कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/7। अब वो ग्रेटर इक्वल टू है, ये देखो क्या आ गया, गुणा में a की घात 2, b की घात 3 और c की घात 2 बट्टा 1 2 3 4, यानी 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 और उसकी घात 1/7। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ घात 7 कर देंगे, दोनों तरफ धनात्मक संख्या है तो घात 7 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की घात 7/7 की घात 7, बड़ा या बराबर है किसके, a की घात 2, b की घात 3, c की घात 2 बट्टा 2 की घात 4 और 3 की घात 3 के। जो ये घात 1/7 की, तो ये घात कितनी हो गई हमारे पास, 1 हो गई। ठीक है, तो देखो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास कि 3 की घात 7 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 बट्टा 7 की घात 7, बड़ा या बराबर है 1 की घात 2, बी की घात 3 और सी की घात 2 से। तो ये देखो 3 की घात 4 और 3 की घात 3 कितना हो गया, 3 की घात 10, तो 3 की घात 10 गुणा 2 की घात 4 बट्टा 7 की घात 7, बड़ा या बराबर है किससे, 1 की घात 2, b की घात 3, c की घात 2। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1 की घात 2, b की घात 3 और c की घात 2 का अधिकतम मान कितना होगा हमारे पास, 3 की घात 10 गुणा 2 की घात 4 बट्टा 7 की घात 7। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, देखो जो पहला ऑप्शन है वो हमारा मैच कर गया, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।